भाई और बहनों, नया हिंदुस्तान बनाने की जिम्मेदारी, नया भारत बनाने की जिम्मेदारी आपकी और हम सबकी है। नया हिंदुस्तान सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला नेतृत्व चाहता है। नया हिंदुस्तान एक विजन वाली सरकार चाहता है, डिवीजन वाले परिवार नहीं चाहता। नया हिंदुस्तान सुरक्षा की गारंटी चाहता है, सम्मान चाहता है, अपने त्योहार के समय पूजा की यात्राएं निकालने की आजादी चाहता है। नया हिंदुस्तान दुनिया में भारत का दबदबा चाहता है, बुलंद आवाज वाला देश चाहता है, अपनी बात में मजबूती से रख सके ऐसी लीडरशिप चाहता है। नया हिंदुस्तान आतंकवाद पर प्रहार चाहता है, राष्ट्रहित में फैसले लेने वाली सरकार चाहता है। नए हिंदुस्तान की इन भावनाओं को क्या ये दर्जन भर महामिलावटी पूरा कर सकते हैं? क्या पूरी ताकत से बताइए, एक में भी दम है क्या? ये मिलकर के भी दम है क्या? ये आपके सपने पूरे कर सकते हैं क्या? आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे, जी भर के बताएंगे, बताइए नए हिंदुस्तान के संकल्प को कौन पूरा कर सकता है? कौन पूरा कर सकता है? आपको भरोसा है, पूरा विश्वास है, कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जी नहीं, मोदी अकेले नहीं, आपका एक वोट कर सकता है, आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है कि सेना के जवान सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। आपके वोट की ताकत है कि सेना के जवान एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। आपके वोट की ताकत है कि 3 मिनट में अंतरिक्ष में जाकर के हमारी मिसाइल दुश्मन के सैटेलाइट को गिरा सकती है। भाइयों बहनों, आतंकवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चुन चुन करके साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसके लिए दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? और मजबूत सरकार चलाने के लिए मजबूत चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? हम सभी को मिलकर नया हिंदुस्तान बनाना है।